हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने बहुत तरीके के पान ट्राई किए होंगे, जैसे चॉकलेट पान, फायर पान, जेली पान, लेकिन आज हम कुछ हटके बनाने वाले हैं और वो है मावा पान। बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इस होली के त्यौहार पे अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों का स्वागत इस पान को खिलाकर ज़रूर कीजिएगा। कहा जाता है ना, पान खाने और खिलाने से प्यार बढ़ता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं प्यार और मावा से भरा हुआ अपना पान। सबसे पहले हम पान के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए गैस पर हमने पैन चढ़ाया है और इसमें हम डाल रहे हैं 100 ग्राम मावा या खोया। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इस मावा को भूनेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी फ्लेम तेज नहीं होनी चाहिए और लगातार हम मावा को चलाएंगे और मावा को सॉफ्ट कर लेंगे और हल्का सा भून कर तैयार कर लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद देखिए हमारा मावा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट्स जो हमें पसंद हैं। यहाँ पर मैं कुछ कटे हुए बादाम, काजू, किशमिश और खरबूजे के बीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम लगभग 1 से 2 मिनट और भून लेंगे मावा को, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से रोस्ट हो जाएं। ड्राई फ्रूट्स और खोया अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब बस हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम इसे एक अलग बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। हमारा मावा अभी गर्म है, हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी, लगभग आधा चम्मच हरी सौंफ, आधा छोटा चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें हरी इलायची पाउडर और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लगभग 4 बड़े चम्मच गुलकंद। गुलकंद मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। गुलकंद डालने से हमारी स्टफिंग का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा और इसके साथ इसके अंदर बाइंडिंग क्वालिटी भी आ जाएगी, यानी जो हमारा मावा है वो बाइंड हो जाएगा आसानी के साथ। अब हम गुलकंद को और मावा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। गुलकंद और मावा आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं माउथ फ्रेशनर नट्स। ये मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ये लगभग 2 चम्मच है। आपको जिस भी प्रकार का माउथ फ्रेशनर पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे डालने से हमारी जो स्टफिंग है उसके अंदर क्रंचीनेस आ जाएगी और बहुत बढ़िया स्वाद निकल कर आएगा हमारे मावा पान का। ये देखें, मैंने पान के पत्ते ले लिए थे और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और एक बार सूखे कपड़े से इन्हें साफ भी कर लिया है। अब हम एक कैंची की सहायता से इन पान के पत्तों का पीछे वाला हिस्सा, यानी ये जो डंठल वाला भाग है, इसको हटा देंगे और आगे का हिस्सा भी, जो इसकी नोक है, उसको भी काट देंगे। आप चाहें तो काट लें, अदरवाइज आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सभी पत्तों के पीछे का भाग और आगे का भाग काट कर इन पत्तों को रख लेंगे। तो चलिए अब लगाना शुरू करते हैं अपने पान का बीड़ा। पान के पत्ते को इस तरीके से उल्टा रखा है और अब हम इस पर लगाएंगे 1 लेयर शहद की। शहद लगाने से जो हमारा पान का बीड़ा है वो मॉइस्ट भी रहेगा और जूसी भी लगेगा। अच्छे से सारे में स्प्रेड कर लेंगे पत्ते के ऊपर हम शहद को और अब इसके ऊपर रखेंगे हम जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी मावा की, उसको इस तरीके से प्लेस करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का चूरा और अब प्लेस करेंगे इसके अंदर 1 हरी इलायची और अब बड़ी सावधानी के साथ हम इस पान के पत्ते को फोल्ड करके इसका बीड़ा तैयार कर लेंगे और इसको बांध देंगे। तो देखिए, इस तरीके से सावधानी के साथ करेंगे ताकि पान का पत्ता टूटे नहीं।
और अब हम इसको बांधने के लिए इस्तेमाल करेंगे लौंग का। इस लौंग को हम इस तरीके से टक कर देंगे और देखिए हमारा पान का बीड़ा अब तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी सभी पान को भी रेडी कर लेंगे। हमारे सभी पान के बीड़े तैयार हैं। अब इसको थोड़ा सा और सजाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे चांदी के वर्क का। बहुत आराम से मार्केट में मिल जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि खाने वाला चांदी के वर्क का आप इस्तेमाल करें। अब सभी पान के बीड़ों के ऊपर हम इस वर्क को अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारा बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब मावा पान। इस फ्लेवर के आगे आप बाकी सभी पान के फ्लेवर्स को भूल जाएंगे और जब भी आपके मेहमान आएंगे तो आप झटपट तैयार करके उन्हें ज़रूर ये सर्व करेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।